गुनगुन, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। बुआ, बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मामा और पापा पता नहीं क्यों कुछ दिनों से एकदम अजीब बिहेव कर रहे, डरे डरे से लग रहे। पूछते कुछ और है, जवाब कुछ और देते। और पापा जो 10 मिनट में 10 जोक मारे बिना रह नहीं पाते थे, क्या हंसी नहीं निकलती है। बुआ, मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, कुछ तो गलत हो रहा है। गुनगुन, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो दोनों ठीक हैं। बस युग की वजह से दोनों परेशान हैं। वो युग अभी भी बाहर घूम रहा है, इसलिए उन्हें हम सबकी टेंशन हो रही है। और तुम बताओ, टेंशन में कोई कैसे हंसेगा? गुनगुन, मुझे यकीन है एक बार ना युग पकड़ा गया ना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह। ओके? हमें जल्द से जल्द युग की बॉडी ढूंढनी होगी। समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बॉडी अचानक से गायब कैसे हो गई। पापा, हाय। आप लोग ऐसे चुपके से कहाँ जा रहे हैं? वो हम तुम दोनों के पास ही आ रहे थे, हमने सोचा कि हम भू करेंगे और तुम दोनों को डराएंगे, पर देखो तुम दोनों ने तो हमें ही पकड़ लिया। अब भू का क्या मतलब? वही करने वाले थे भू। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम बाहर खेलने जा रहे अपने फ्रेंड्स के साथ। जाओ, बहुत बढ़िया है, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम दोनों जाओ अपने दोस्तों के साथ खेल कर आओ, उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारी बातें, पर संभल के खेलना। ये जाओ जाओ जाओ। बाय बाय मम्मा पापा। बाय। तुम भी जाओ। सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। जी मोहन जी, गुनगुन को हम पर शक हो गया है ना, और ये शक यकीन में ना बदल जाए, उससे पहले मैं उसकी बॉडी को ढूंढना होगा।